नमस्कार साथियों, मैं श्याम कुमार। तो मेरा आंगनबाड़ी हेल्पलाइन है और एक श्याम टॉक्स है, जो श्याम टॉक्स पे ये सर पढ़ा रहे हैं। आप लोग को कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करते रहिए इसी तरह से, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट कर चुके हैं। जैसे कि इनका जो हमने फर्स्ट वीडियो कहे थे स्टार्ट करना, यानी कि आप लोग सभी आंगनबाड़ी सेविका के लिए ECC कोर्स। तो जैसे कि आप लोग जो ECC कोर्स हम अभी करवा रहे हैं आप लोग को, जो 6 माह सर्टिफिकेट कोर्स है, तो जैसे कि इस सर से पूछे हैं तो शायद 5-6 चैप्टर तक आप लोग को PDF भी तैयार हो चुका है, मतलब डाल चुके हैं PDF, और भी है जैसे कि पूरा चैप्टर का ये करके रखे हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा नेट के कारण आप लोग को जल्द से जल्द वीडियो नहीं मिल रही है, तो आपको जल्द से जल्द कहेंगे कि सर को इसमें मेहनत करें और वीडियो को अच्छे से अपलोड कर दें, क्योंकि आप लोग को हो सकता है तो जून जुलाई में भी बढ़ सकता है डेट, क्योंकि आप लोग को इधर कोरोना है, आप लोग समझ ही रहे हैं। अब जैसे कि बहुत सारा कमेंट आ गया था कि सर ECC कोर्स 6 माह सर्टिफिकेट तो करा रहे हैं, लेकिन ECC डिप्लोमा क्यों नहीं करा रहे हैं। तो आप लोग को जो ECC डिप्लोमा आज से स्टार्ट हो गया है, यानी कि आप लोग को 1 ईयर कोर्स जो है, आप लोग को ECC डिप्लोमा आप लोग का 1 ईयर आप लोग को स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग को सिलेबस के बारे में बताएंगे सर कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ी जाएगी। आप लोग इस वीडियो को, पहला वीडियो को तो ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आप लोग को सिलेबस है, और सिलेबस में आप जैसे जब तक ना सही से देखेंगे इसमें, जब तक ना समझेंगे तब तक आप लोग को हो सके कि बहुत सारा प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो आप लोग इस सिलेबस को देख लीजिए, सर आज सिलेबस बताएंगे और कैसे कैसे आप लोग को पढ़नी है और किसमें कितना ज्यादा मार्क्स आएगी और किस तरह से आप लोग को पढ़नी है, आप लोग को ध्यान से देख लीजिए। क्योंकि आप लोग को सिलेबस ही से आप लोग समझिए कि फर्स्ट रैंक से पास हो गए, क्योंकि आप लोग सिलेबस समझेंगे तो भी तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे, अच्छा से मार्क्स उठा पाएंगे। तो चलिए आज सर बताएंगे सिलेबस पहले, उसके बाद हम चाहेंगे कि आप लोग को 1 से 2 महीना के अंदर में जितना भी हो, यानी कि ECC कोर्स 6 माह हो या डिप्लोमा हो 1 ईयर वाले, तो आप लोग जल्द से जल्द पूरा करेंगे, क्योंकि आप लोग को नेट प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन आप लोग को अलग भी जाके हम लोग अपलोड करवा सकते हैं, यानी कि श्याम टॉक्स पे आप लोग श्याम टॉक्स से यानी कि वीडियो भी देखेंगे आसानी से, और मेरा आंगनबाड़ी हेल्पलाइन पे भी अपलोड 1-2 रहेगा, यानी कि कोई भी जानकारी अगर नहीं आती है तो आप लोग को उस पे अपलोड करके आप लोग को श्याम टॉक्स पे जाके आप लोग को जो भी हो, यानी कि PDF हो या फुल वीडियो आप लोग चाहते हैं ECC कोर्स का, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, और PDF भी आप लोग क्या करेंगे कि डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं आसानी से। उसमें क्वेश्चन आंसर आसानी से आप लोग को दिया गया है, आप लोग समझ पाएंगे, मतलब आप लोग समझिए ना कि अगर आप लोग कुछ नहीं जानते हैं तब भी आप लोग समझ पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन करके दिया जा रहा है, मतलब आप लोग को ECC कोर्स PDF में। तो सर स्टार्ट करेंगे यानी कि ECC कोर्स डिप्लोमा में, तो चलिए इनका वीडियो देख लीजिए और आसानी से आप लोग को जो भी वीडियो हो आसानी से मिलते रहेगी। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू। नमस्कार साथियों, श्याम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ECC डिप्लोमा कोर्स का सिलेबस, जिसमें आपको 4 पेपर दिए गए हैं। टोटल जो है आपको 4 पेपर दिया गया है, जिसमें कि आपको थ्योरी वाले सेक्शन से जो है इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आज हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ, जिसे ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने दिए रहेंगे, तो 10 दिया रहेगा और 10ों को बनाना है। ऑब्जेक्टिव में 10 में आपको 10 बनाना है, यानी कि पूरा पूरा क्वेश्चन बनाना है। इसके अलावा आपको इस पर मार्क्स जो मिलेगा, एक क्वेश्चन पे एक, तो 10 पे कितना मिला, 10 पे कितना मिलेगा, तो 10 नंबर, यानी कि पूरा आपको ऑब्जेक्टिव से कितना मिलने वाला है, 10 नंबर पूरा मिलने वाला है। इसके अलावा अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने रहेंगे, प्रश्न की संख्या 8, जिसमें से आपको बनाना कितना है, सिर्फ 5 ही बनाना है, और इसमें बनाइएगा तो इस पर आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, और बनाना कितना है, 5, यानी कि आप 5 बनाते हैं तो आपको टोटल कितना मिलेगा, तो 10 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद देखते हैं लघुत्रीय वाले सेक्शन से। लघुत्रीय वाले सेक्शन में जो है, इसमें आपको 8 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन बनाना कितना है, 4, यानी कि आप 4 बनाइएगा, और नंबर कितना इसके लिए निर्धारित है, एक क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 5 नंबर मिलता है, कितना, 5, तो बनाना कितना है, 4, अगर आप 4 का गुना 5 से करिए तो कितना, 20 मार्क्स, यानी कि आपको लघुत्रीय से भी कितना मार्क्स कवर होगा, 20 मार्क्स आपको कवर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दीर्घ उत्तरीय, इसको कहते हैं वेरी लॉन्ग, इंग्लिश वाला इसको कहता है वेरी लॉन्ग, यानी कि आपको इसमें 4 प्रश्न दिए रहेंगे, कितने टोटल प्रश्न रहेगा दीर्घ उत्तरीय में, 4, लेकिन आपको बनाना है कितना,
दो, और इसमें एक क्वेश्चन का जो है, एक क्वेश्चन का आपको कितना मार्क्स मिलता है 10, यानी कि आप दो ही क्वेश्चन इसमें बना देते हैं तो आपको 20 मार्क्स पूरा हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टोटल मार्क्स जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 10, 10, 20, 20, 40 और 20, 60 मार्क्स, यानी कि आपका थ्योरी वाले सेक्शन से जो है प्रत्येक बुक में 60 मार्क्स से क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा आपको 40-40 मार्क्स जो रहेगा वो प्रायोगिक वाले सब्जेक्ट से रहेगा, यानी कि प्रैक्टिकल से, प्रैक्टिकल वाले सेक्शन से कितना रहेगा, प्रैक्टिकल से 40 मार्क्स। इसमें से आप कहिएगा कि 60 में से कितना पर पासिंग मार्क्स है, यानी कि 60 में से आप जो है 18 मार्क्स ले आते हैं, कितने 18 मार्क्स ले आते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, तो आप पास हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बोलिएगा कि प्रैक्टिकल वाले सिलेबस समझा दीजिए, तो इसका भी हम सिलेबस का वीडियो बनाकर डाल देंगे। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि YouTube खोलेंगे, यहाँ पे आप लोग को क्या करनी होगी कि यहाँ से आप लोग सर्च कर पाएंगे, यानी कि यहाँ से श्यामो टॉक्स लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे आप लोग को सर्च करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, और यहाँ पे हम लोग श्याम टॉक्स लिखे या आंगनवाड़ी हेल्पलाइन लिखे, आप कुछ भी लिखेंगे तो वहाँ से आप लोग जा सकते हैं, यानी कि कहाँ आप लोग को श्याम टॉक्स पे। जैसे कि हम अगर आंगनवाड़ी हेल्पलाइन से, यानी कि आप हमारे आंगनवाड़ी हेल्पलाइन में अगर इस तरह से हैं, तो आप लोग क्या करते थे कि यहाँ पे क्लिक करके अंदर जाते थे, और जाने के बाद क्या करते थे कि इस तरह से वीडियो दिखाई जाती थी, और देखने के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ वीडियो है, प्ले लिस्ट है, कम्युनिटी है, उसके बाद आप लोग आगे इस तरह से बढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ चैनल भी है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे श्याम टॉक्स दिख रहा है, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं श्याम टॉक्स पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे इस तरह से श्याम टॉक्स आ गया, आप लोग यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे आप लोग को अगर नोटिफिकेशन नहीं गिर रही होगी, पहले से सब्सक्राइब करके रखे होंगे, तो आप लोग को यहाँ पे बेल घंटी आप लोग को दिख रही होगी, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ऑल बेल घंटी है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन जो भी आएगी ना धराधर आप लोग को गिरते जाएगी, आप लोग को जो इस तरह से आप लोग को श्याम टॉक्स में या आंगनबाड़ी हेल्पलाइन हो अगर नोटिफिकेशन नहीं होगा ऑन, तो इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि इस तरह से आप लोग को वीडियो दिया जा रहा है, यानी कि ECC कोर्स और ECC कोर्स डिप्लोमा का आप लोग को जो 1 ईयर है वो भी आप लोग को इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग वीडियो में जाते हैं तो आप लोग देखेंगे कि इस तरह से आप लोग को वीडियो देखने के लिए मिल रही है, जैसे कि आज हम अभी तुरंत हम डाले हैं यहाँ पे ECC कोर्स डिप्लोमा, यानी कि सिलेबस आउट यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। तो फर्स्ट नंबर में आप लोग तो ECC डिप्लोमा कोर्स आज से स्टार्ट हो गई है आप लोग के लिए, हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप लोग के पास जो है ये YouTube पे आप लोग को अपलोड हो जाए कि आप लोग को जल्द से जल्द पढ़ लेंगे और अच्छा से नंबर से पास कर पाएंगे। तो आई होप कि आप सारी बातें को समझे होंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तो बेल आइकन को ऑन रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।